बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते आदाब। मेरा नाम आफ्ताब हुसैन और आप देख रहे हैं आपको अपना यूट्यूब चैनल आफ्ताब जो यह व्लॉग। सॉरी, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काफ़ी अच्छा और अल्लाह के फजल करम शुक्र साथ नए व्लॉग करते हैं स्टार्टिंग। और अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा, शुक्रिया। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि आज भी अपने खेत के अंदर जा रहे हो। खेत के अंदर क्यों, इसलिए वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। बाकी अभी मैंने ट्राली जोड़ ली है साथ में, इधर मैंने बजरी भी डलवा ली है। इसके अंदर एक फर्म मतलब वो जो ट्रैक्टर का एक फर्म होता है वो डलवा लिया अपनों ने। उसके अंदर 7 क्वांटल लगभग बजरी आ जाती है। तो अभी अपने बस चलते हैं खेत के अंदर और अपने साथ काले भैया और मिस्त्री साहब एक। और रात काफ़ी तेज बारिश थी तो आप देख सकते हो पानी रुका हुआ है अभी। अभी अपने ईंट भट्टे पे आए हैं लेकिन यहाँ पे अभी तक लेबर आई नहीं तो अपने को थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद अपने को ईंटें मिलेंगी यहाँ से और अपने को सिर्फ 500 ईंट चाहिए और 500 ईंट अपने ट्राली के अंदर डलवा लेंगे। लेकिन अभी लेबर नहीं आई और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ईंटों का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और अभी बस बैठे ऊपर 400 ईंटें अपने यहाँ पर लगवा लिए और 100 ईंटें वहाँ पर। और अभी अपने चलते हैं ट्रैक्टर पर चलते हैं आगे। और अभी अपने ड्रम के अंदर पानी भर रहे हैं यहीं से। यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है वहीं से पानी भर रहे हैं और भट्ठे के ऊपर ही अभी अभी अपने। और अभी अपने यहाँ से रवाना हो रहे हैं और अभी सीधा जा रहे हैं अपने खेत के अंदर। अभी ये ट्राली का टायर पूरा अपना एक नाली के अंदर घुस चुका है जैसे आप देख रहे हो। जो अपना खाली बनाई थी उसे पाइप लाइन वहाँ से डाली थी और यहाँ से फिर पानी इनका गया खाली के अंदर। तो इस कारण से ये जो खाली वो नीचे बैठ गई है। खाली के अंदर बाहर भी था तो इसका भी शायद कोई कारण बन सकता है। बाकी अभी बाइक को फ़ोन किए वो आ रहे हैं ट्रैक्टर लेके दूसरा और फिर टोचन लगा के अपने फिर निकालेंगे बाहर इंशाल्लाह। और अभी भाई हैं वो आ रहे हैं जैसे आप देख रहे हो सामने ट्रैक्टर लेके और वो फिर इस अपने ट्राली को निकालेंगे फिरने से। तो और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो ट्रैक्टर ट्राली वो निकल चुका है जैसे अभी आपने देखा भी। और बाकी अभी बस अपने ट्राली बैक कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम एक डिग्गी बनवा रहे हैं जिसके अंदर ये पानी आएगा और जो वहाँ का और यहाँ पे पानी स्टोर भी होगा। कल को अपने को जब स्प्रे वगैरह करनी होगी तो अपने वो पानी यहाँ से अपने यूज़ कर सकते हैं उस पानी को। और बाकी यहाँ पर खार भी नहीं पड़ेगी तो इसलिए यहाँ पर अपने ईंट वगैरह लाए थे और अभी अपने यहाँ पर डिग्गी बनवा रहे हैं। और अभी यहाँ पर अपने सलमान और सुलेमान और उधर अली मोहम्मद तीनों आए हुए हैं और बाकी ये भी ट्रैक्टर की मजे देखने आते हैं। ये तो इनको बस जैसे ट्रैक्टर खुब जाए या फंस जाए ट्रैक्टर तो ये फिर काफ़ी इनको मज़ा आता है देखने के लिए। तो ये स्पेशली घर से चले हैं सिर्फ देखने के लिए कैसे ट्रैक्टर बाहर निकलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे आ चुके हैं जैसे आप देख रहे हो पीछे ट्रैक्टर हो रहा। और अभी अपने घर पे आके और अभी मैं जा रहा हूँ हमारे कॉलेज। बस अभी अपने रेडी शेडी होते हैं और वैसे टाइम 9:30 बज चुके हैं। रोज़ मैं 9:30 बजे तक कॉलेज होता हूँ लेकिन थोड़ा लेट हो गया हूँ फिर भी चलते हैं अभी अपने। और जैसे मैंने आपको रास्ते में बोला था कि कल रात काफ़ी ज़्यादा बारिश आई थी और काफ़ी ज़्यादा तूफान भी था और तूफान से आप देख सकते हो ये हमारे जो जामुन का पेड़ लगा हुआ घर पर उसके ये भी टेना टूट गया था और ये भी टेना टूट गया है ऐसे करके 3-4 एक वो पीछे भी टेना टूट गया जो आप पीछे देख रहे हो वो आपको दिख रहा होगा वो सामने वाला ऐसे करके 3-4 टैने टूट गए। इतना ज़्यादा तूफान तक तैयार भी हो चुके हैं जिसे आप देख रहे हो और अभी बस अपने बाइक बाहर निकालते हैं और चलते हैं। और टाइम अभी 10 बज चुके हैं तो बस बाइक बाहर निकालते हैं। बाकी बाइक की सर्विस करवाने वाली है और मैंने सर्विस लगभग 1.5 साल हो चुके हैं सर्विस जब करवाई थी लास्ट बार इसकी। इसका ऑयल वगैरह चेंज करवाने वाला है बस अभी थोड़ा टाइम नहीं मिलता। टाइम जब भी मिलेगा अपने को इंशाल्लाह अपने जाएंगे इसके शोरूम पर रॉयल एनफील्ड वाले पे जो हमारे टाउन के अंदर ही है कोला के अंदर और वहाँ पे जाके अपनी बाइक की सर्विस करा के लाएंगे। और अभी तो वैसे हालत हो रखा है इसके ऊपर मेरे को कपड़े मारने का भी टाइम नहीं मिल रहा बेचारी भी। कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बारिश आई वैसे ही ये पानी जो है ये रुक चुका है यहाँ पे, और बस जल्दी इसकी निकासी हो जाएगी इंशाल्लाह, यही अपनी उम्मीद करते हैं। लेकिन उम्मीद करते करते मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, और अभी अपने कॉलेज के अंदर आ चुके हैं जैसे आप देख रहे हो, साथ में मेरा अभी जसप्रीत सिंह जैसे, और बाकी अभी अपने जा रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर और वहाँ पर बैठ के थोड़ी देर स्टडी करते हैं। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी 2:10 हो चुके हैं, अपने को काफ़ी टाइम हो चुका है लाइब्रेरी के अंदर, और अभी अपने जा रहे हैं घर पे, और साथ में अभी धवल और जस्सी भी हैं अपने, और ये भी जा रहे हैं मेरे साथ में, और ये अपने घर पे जाएंगे और मैं अपने घर पे। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे आ चुके हैं, और घर पे आते ही यार ये पता नहीं इस पौधे को क्या हो गया है, आप देख सकते हो ये पूरा हरा भरा है और ये मतलब सूख चुका है बिल्कुल, जल्द सा गया है, पता नहीं एकदम से इसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक ही टहनी एक ही ऊपर जा रही है, कोई कट भी नहीं पड़ा इसके, फिर भी ये सारा सूख गया और ये हरा भरा है, कमाल हो गया यार। और अभी अपने घर पे तो आ गए थे जैसे आप लोग जानते हो, और अभी अपने चाय लेके जा रहे हैं भाई औरों के लिए जो खेत के अंदर काम कर रहे हैं, तो बस अभी अपने चल रहे हैं बाहर, और बाहर वहाँ पर शाह रसूल भाई होंगे उनके साथ अपने जाएंगे खेत के अंदर, और पानी की बोतल ली है एक और, एक और चाय की कैंटीन ले ली है, और बाइक तैयार है अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो भाई चलते हैं। और अभी अपने आ चुके हैं खेत के अंदर जैसे आप देख रहे हो हमें, और अभी बस भाई और लगे हुए हैं यहाँ पे डिग्गी बनाने के लिए, और ये अपने डिग्गी बना रहे हैं जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे अपने जो पाइपलाइन वो बाहर निकलेगी, वो जो खेत वाली वो जो आप सामने देख रहे हो अपना ट्यूबवेल, वहाँ से आई थी पाइपलाइन यहाँ तक, और यहाँ से फिर अपने डिग्गी बना के और इसके अंदर फिर सप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर पानी भी स्टोर रहेगा, और यहाँ पर मतलब खार वगैरह भी नहीं पड़ेगी। और अभी ये ट्राली यहाँ पे रुकी हुई है जो सुबह अपने फंस गई थी, बाकी जो ट्रैक्टर है वो छाए के अंदर अपना रोक दिया, ट्रैक्टर को छाए के अंदर रोक दिए और ट्राली यहाँ पे रुकी हुई है, और बाकी अभी बस भाई और चाय पी रहे हैं, और उनके बाद में फिर अपने घर पे चलते हैं, और मेरा रोज़ा भी है तो फिर घर पे जाके थोड़ी देर आराम करेंगे इंशाल्लाह। और चाय पी ली भाई औरों ने अभी, और अभी अपने फिर से रवाना हो रहे हैं यहाँ से, और ये कैटली खाली पेट, और अभी अपने घर पर पहुँच चुके हैं जैसे आप देख रहे हो सामने हमारा घर, और अभी अपने आराम करते हैं, मतलब मैं अभी 1-1.5 घंटे के लिए सोऊंगा, और उसके बाद फिर उठ के अपने असर की नमाज अदा करेंगे इंशाल्लाह। और अभी हमेशा की तरह जैसे आप देख रहे हो कि मुना भाई की प्लेट लेके अपने जा रहे हैं इफ्तारी वाली, तो अभी ये मुना भाई को दे देंगे, और बाकी फिर आके अपने भी घर पर दुआ दुरूद करेंगे। जैसे आप सुन सकते हो ये ऐलान हो चुका है, और अभी अपने बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी अपनी नमाज़ अदा करने के लिए जा रहे हैं मस्जिद के अंदर, अभी तक अजान नहीं हुई, वैसे तो इतने टाइम में अजान हो जाती है रोज़ा इफ्तारी के बाद में, लेकिन आज नहीं हुई, अभी तक हो जाएगी। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने नमाज अदा कर ली है, और अभी अपने आ रहे हैं घर की तरफ, और अभी अपने करेंगे डिनर अपना, और आज घर पर जो अपना जर्दा अपने बोलते हैं या अपने मिट्टी चावल बोल सकते हैं वो बने, तो अभी अपने बस वो खाएँगे, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी अपनी नमाज पढ़ने जा रहे हैं ईशा की, तो अपने अभी वजू कर रहे थे, और वजू करके बस चलते अपने ईशा की नमाज अदा कर। और अभी अपने आ चुके हैं घर पे, और अभी बस पानी पी रहा हूँ पेट भर के फुल, तो फिर उसके बाद अपने सो जाएंगे इंशाल्लाह, और फिर अपने 4 बजे उठना पड़ेगा सैरी के लिए, और अभी जो टाइम है वो 11 बजने वाले हैं, और अभी फिर अपने पानी पी के और आराम करते हैं। बोला कि आप जीप निकालें और ट्राली जोड़े और आप खेत जाए, खेत पानी पहुंचा के आना है भाइयों को, क्योंकि आपको पता ही कि कल हमारे वहाँ पे मिस्त्री लगे थे और आज अपने उनको पानी पहुँचाने जाए। और अभी ये ट्राली थी, इसको अपने जोड़ते हैं। और अभी ट्राली अपने जोड़ लिए साफ जीप के, और अभी जा रहे हैं ड्रम उठाने के लिए अपने।
ड्रम अपना रख दिया, अपने को रेता भरना है क्योंकि अपने आज प्लस्तर भी करेंगे अपनी डिग्गी को, तो अभी अपने बाइक से रेता भी लेके जा रहे हैं और ड्रम को थोड़ा आगे कर देते हैं। और जो ये एक फर्मा होता है, फर्मे के अंदर अंदर अपने को जो बजरी या अपना रेता डालना होता है, और ये जो एक फर्मा इन्होंने मेजर कर रखे, इस एक फर्मे के अंदर अप्रोक्स 3.5 क्विंटल जो आ जाता है मटेरियल, अपने या रेता डालें या फिर अपनी बजरी डालें। और अभी आप देख रहे हैं जैसे कि ये फर्मा भर चुका है और साइडों से वो थोड़ी जगह खाली है, और अपनी ऐसे कर देते हैं ये बराबर हो जाएगा, और इसको भी उठा देते हैं जिससे। ड्रम को वापस उठा के अपने ट्रॉली के अंदर रख देते हैं। और बाइक के पास ना एक और ड्रम भी पड़ा है, तो अपने ये भी ड्रम लेके जाएंगे क्योंकि दो ड्रम भर देंगे, क्योंकि पानी की जरूरत रहेगी तो इनको दिक्कत ना हो पानी की, तो एक और ड्रम अपने अभी लेके जा रहे हैं और ये भी ट्रॉली के अंदर रख रहे हैं। बार्तमाना से ऊपर से जाएंगे क्योंकि रास्ते के अंदर इधर अपने जो लिंक रोड है, जो कच्चा रास्ता है अपना खेत की तरफ, उसके अंदर पानी काफ़ी रुका हुआ है, तो अभी अपने सीधा बार्तमाना के ऊपर चढ़ जाएंगे यहाँ से और आगे जाके सीधा उतरेंगे। और अभी अपने आ चुके हैं अपने खेत के अंदर, बस अभी सामने अपने जाने आराम से चलेंगे, कल जैसे ना होना है अभी जीप कल वहाँ पर ट्रैक्टर, अभी अपने जीप के साथ ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। और आज ही मेरे को डर रहा है कि आज ही पानी उन्होंने छोड़ दिया है कल जैसे, डर है कि जीप इधर फंस वगैरह ना आ जाए। आज तो नहीं फंसी भाई, आज तो नहीं फंसी। पर अभी जो लाइट है वो चली गई है, अपने थोड़ा लेट हो गए, 8 बजे लाइट चली गई है। बाकी भाई ने ड्रम जमीन से भर दिया, जैसे जमीन पर पानी छोड़ा हुआ था और यहाँ से उन्होंने एक ड्रम भर लिया, ये ड्रम भर दिए और वो भी ड्रम भर दिए। और अभी अपने जा रहे हैं जीप वहाँ पे, आराम से बिल्कुल चलाएंगे क्योंकि पानी ड्रम से बाहर ना निकले। बिस्मिल्लाह करके अभी अपने स्टार्ट करते हैं और आराम से चलते हैं। और ये आप हमारी डिग्गी देख सकते हो, यहाँ से अपने ऐसे करके और इसके अंदर फिर पानी जाएगा, और यहाँ से फिर वो नक्का है, वहाँ से फिर पानी आगे जाएगा, ऐसे करके ये सीन रहेगा सारा। और अभी इसके ऊपर अपने डक को लगाएंगे जिससे पानी के अंदर कुछ गिरे ना। और अभी टाइम है वो 10:30 हो चुके हैं और आज जुम्मे का दिन भी है, तो आप सभी को जुम्मा मुबारक। और बाकी यहाँ पे अपनों ने जो ट्राली है वो बिल्कुल खाली कर दी है, जो ड्रम वगैरह वो नीचे उतार दी। और अभी मैं घर पे जा रहा हूँ, एक तो मेरे को जुमे की नमाज़ अदा करनी है और ऊपर से थोड़ा और सामान लेके आना है घर से, तो अपने एक बार जुमे की नमाज़ अदा करेंगे, उसके बाद फिर और अपने ईंट वगैरह और बजरी वगैरह लाएंगे, तो अभी अपने स्टार्ट करेंगे जी, बस चलते हैं घर पर। आज कल अपने ऑफ रोडिंग करने लगे, अभी भी अपने ऑफ रोडिंग कर रहे हैं जीप के साथ, इधर से जाना था यार, इधर से जाना था, इधर से जाना था। और अभी टाइम 1 बज चुकी है और अभी मैं जुमे की नमाज़ अदा करने जा रहा हूँ, और अजान हो चुकी है और जैसे आप देख रहे हो मैं तैयार हो चुका हूँ जुमे की नमाज़ के लिए, और अभी अपने मस्जिद के अंदर पहुँच चुके हैं। मेरे पास अभी फ़ोन करते बंद। और अभी अपनी जुमे की नमाज़ अदा करके तो आ गए थे घर पे, लेकिन अभी अपने को फिर से जाना है। जाना किधर है, जैसे आप लोग जानते हो कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि अपना जो सामान है वो थोड़ा कम रह चुका है वहाँ पे, अपने बजरी और सीमेंट और ईंट वगैरह लेके जाएंगे। तो अभी बस अपनी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक गट्टा और अपने 10 बट्टल बजरी डाल दी, और अभी अपने यहाँ से रवाना होते हैं और बस ईंटे बाकी है। और अभी भाई और ईंट लोड करने लग चुके हैं और अपने यहाँ पे छाए में रुके हैं और बट्टे की छाए में। और अभी जैसे आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा धुआं आ रहा है, और इस धुएं के कारण ये नीचे परछाई बन रही है वैसे, लेकिन अगर भट्टा होगा तो फिर धुआं तो होगा ही, ऐसे वैसे ईंटें जो पकेगी कैसे। और बाकी अभी जो अपनों ने ईंटें डलवा ली है ट्राली के अंदर, और अभी मैं जा रहा हूँ हमारे खेत के अंदर, और कल से आप यही देख रहे हो, मेरी ज़िंदगी देख रहे हो कि मेरी ज़िंदगी कैसे निकल रही है। और बाकी मैं जो मेरे चैनल का नाम भी चेंज करने के लिए सोच रहा था, जल्दी इंशाल्लाह सोच रहा हूँ कि मैं चेंज कर दूँ नाम अपना। बाकी अभी अपने जा रहे हैं खेत के अंदर, और आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, नीचे कमेंट करिएगा, इसको शेयर करिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपको मिलता है अगले ब्लॉग के अंदर, खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हाफिज़, थैंक यू, बाय। इस टाइप की अपनी जो डिग्गी वो बन चुकी है।